नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, 22 तारीख 22 अक्टूबर शनिवार, आज है द्वादशी। दीपावली के पहले आने वाली ये द्वादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन को वाघ बारिश भी कहा जाता है। आज के दिन से ही कई घरों में, एकादशी से कई घरों में वाघ बारिश से और कई जगह धनतेरस से पूजा शुरू होती है दीपावली की। तो बारिश का दिन है, शनिवार का दिन है। आज के दिन ये उपाय आप जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। बारिश वाले दिन दोस्तों, वैसे भी हर व्यक्ति को अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। बारस की जो तिथि है, ये तिथि 3 के अंक से जुड़ी हुई है। बारस की जो तिथि है, भगवान नारायण से जुड़ी हुई है। आज के दिन गुरु पूजा करना, आज के दिन भगवान नारायण की पूजा करने से आपके गुरु मजबूत बनते हैं, घर गृहस्थी बहुत बढ़िया तरीके से चलती है, माता लक्ष्मी सदैव जीव के ऊपर प्रसन्न रहती हैं। जो भी बारिश के दिन इस उपाय को करता है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आज के दिन दोस्तों, स्नान आदि करने के बाद कोशिश करें येलो कलर के कपड़े पहने। आज के दिन गोल्डन कलर के कपड़े पहनना और येलो कलर के कपड़े पहनने से घर में धन की वृद्धि होती है। आज पीपल की पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ पर हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करें। शनिवार का दिन है, शनिवार के हिसाब से भी आज के दिन दोस्तों पीपल की पूजा यूं भी करनी चाहिए ताकि शनि की कभी पनौती ना नड़े। और उसके सिवाय आज के दिन पीपल की पूजा करने से, द्वादशी के हिसाब से पीपल की पूजा करने से हमेशा घर में धन का आविर्भाव बना रहता है। आज आप पूजा स्थान में बैठे भगवान नारायण के सामने घी का दीपक जलाएं। कोशिश करें उसमें 3 बाती डालें या फिर घी के 3 दीपक भगवान के आगे प्रज्वलित करें। तीनों दीपकों में या फिर एक दीपक जो आपने जलाया है उसमें 12 दाने चने की दाल के डाल दें। चने की दाल के 12 दाने आज के दिन दीपक में डाल करके और भगवान को अर्पित करने से दोस्तों जन्मों के दुख दूर होते हैं, व्यक्ति की सद्बुद्धि डेवलप होती है, अच्छे विचार, अच्छे थॉट आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, आपके गुरु जबरदस्त मजबूत होंगे। भगवान के आगे अगरबत्ती लगाएं, वो भी 3 ही लगाएं। आप चाहें तो इस क्रिया को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के भी कर सकते हैं, केले के पौधे के पास बैठ करके भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। भगवान के आगे बैठकर आज के दिन भगवान के 12 नाम, जो भी आज के दिन इन 12 नामों का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं घटती, हर संकट से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। 12 नाम है, औषधे चिंते दूषणम, भोजने च जनार्दनम, शयने पद्याभम च, विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्र धरम देव, प्रवासे च त्रिविक्रमम, नारायणम तनु त्यागे श्री धर्म प्रिय संगमे, दुःस्वप्न स्मरेत गोविंदम, संकटे मधुसूदनम, कानने नरसिंह च, पावके जल साइनम, जल मध्य वराहम, पर्वते रघुनंदनम, गमने वामंचेव सर्व कार्ये सुमाधव, सोढ़ु सतानि नामानि प्रतिरुत्थाय पठेत, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महियते। हाँ, विष्णु लोके। ये जो भगवान के 12 नाम है, आज के दिन आप इनका स्मरण करें या पूजा के समय आप इसको चालू करके वहां बैठकर सुने। इन नामों को आप, यदि आपके पास बुक है तो उसमें आप देख करके पढ़ लें, गूगल पर सर्च करके आप इन नामों को बोल दें। ये जो 12 नाम है, कभी भी, ये तो बड़ी द्वादशी है, अन्यथा महीने में 2 द्वादशी आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है। जब भी द्वादशी तिथि आती है, भगवान नारायण के सामने 3 बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके अंदर चने की दाल के 12 दाने रख करके आप इन 12 नामों का यदि स्मरण करते हैं, कभी भी दोस्तों जीवन में तकलीफ नहीं आएगी,
हर संकट से भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आज के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करें भगवान के 12 नामों का। आज के दिन 12 की संख्या का दोस्तों बड़ा महत्व है। जो भी आप पूजा करें, वैसे मैं और भी आपको उपाय बताऊंगी, जो भी आप पूजा करें उसको 12 बार करें, 12 टाइम उसको रिपीट करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।